दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं एक मिनी डीजे सेटअप जो कि काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है, लुक में भी काफ़ी अच्छा है। और ये गांव का सेटअप है और ये छोटे प्रोग्राम और बड़े प्रोग्रामों में दोनों में काम करता है। तो यहां पर आप सभी भाई देख सकते हो, ये हमारा सेटअप है जो कि ए प्लस के दो टॉप हैं और यहाँ पर दो फ्रंट में बॉक्स जो कि होममेड मैंने बनवाए हैं और दो साइड में HF है। और यहीं पर हम दोस्तों हम बात करते हैं सामने के फ्रंट में। तो यहाँ पर फ्रंट में आप सब लोगों को रास फ्लावर डेकोरेशन, ये आपको LED पैनल देखने को मिलता है जो कि पीछे से पार लाइट मारने पर ये जलता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं HF की। तो यहाँ पर जो आपको जो सामने दो HF दिख रहे हैं, इसमें आपको 150 वाट के ये HF है। एक HF 150 वाट का है जो कि Q1 का है और इसकी रिस्पॉन्स की बात करें तो बहुत ही तगड़ा बजता है, ठीक है। और लॉन्ग थ्रो भी इसका बहुत ही अच्छा है। और ए प्लस के जो टॉप हैं ये भी परफॉर्मेंस अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा बहुत ही अच्छे नहीं कहूँगा, मीडियम में है, ठीक है, ना उतना तगड़ा है और ना उतना बेकार है। तो ये मीडियम क्वालिटी में है, जैसा पैसा है वैसा इसका काम है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर साइड में हमने रखा है एक मिक्सर जो कि स्टेंजर का है, 12 चैनल का, जो कि आपने नहीं देखा वीडियोस तो देख लेना, मैंने न्यू ख़रीदा है स्टेंजर का। और मैंने सिर्फ एक टेबल लगाई है और टेबल के सामने जस्ट मैंने इस पैनल को रखा है और उसके ऊपर हमने रखा है 15 इंच के, सही है। और साइड में HF जो कि जगह स्पेस बिल्कुल खाली नहीं रहता है फिर, और लुक भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो ये हमने बनवाया था जो कि लुक में काफ़ी अच्छा है, सही है। और ये दो गोल नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास मशीन नहीं थी, तो गोल गोल से नहीं हो पाए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे बॉक्स, लुक में काफ़ी भी अच्छा है। और ये हमारे HF है और ये हमारे पेटी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम पार लाइट 4 बांधे हैं, आप सभी भाइयों को दिखाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप सभी लोगों को हम दिखाते हैं कि कैसा सेटअप लगा है और यहाँ पर मिक्सर कैसे लगाया गया है, सारा कुछ डिटेल्स आप सभी भाइयों को दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा देना, क्योंकि मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इस वीडियो में मैं स्लो में दिखा रहा हूँ क्योंकि यार वीडियो शॉर्ट में थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस वीडियो को लॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा मैं जो स्पीड था इसका डाउन कर दिया हूँ। और ये बगल में जो साइड में आप देख रहे हो स्टेज, ये डेकोरेशन मेरा ही है, तो मैं स्टेज जयमाल डेकोरेशन का भी काम करता हूँ, तो डेकोरेशन भी हो रहा है स्टेज का, तो ये सारा काम स्टेज गेट मंडप ये सब मैं ही करता हूँ। और ये मिनी डीजे सेटअप है, तो काम तो आप भाइयों को पता ही हो गया होगा कि डेकोरेशन का और डीजे का और फ्लावर की खेती का भी मैं काम करता हूँ। तो फिलहाल इन बातों को छोड़ते हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि नाइट में इसका सेटअप कैसा है। यहाँ पर आप सभी भाई देख सकते हो कि नाइट में इसका सेटअप कैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी भाई कैसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख लो राज फ्लावर डेकोरेशन ये एड्रेस, और यहाँ पर पीछे से जब पार लाइट मारते हैं तो ऐसे कुछ इसका लुक बनता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाते हैं